नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर प्रशांत किशोर ने भाजपा पर तंज कसते कहा कि बीजेपी को अटल जी की पंक्ति छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता को याद करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बिहार के सारण में राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए मुझे ये लगता है कि 2 साल की सजा अधिक है। राजनीति में इस तरह के बयान और टिप्पणी लोग एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि ये लड़ाई अगर आपको लड़नी है तो आपको जमीन पर गांव में सड़कें उतारनी पड़ेगी। देखिए, मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज़्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की है तो कानून है, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, देखिए मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज़्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की है तो कानून है, लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आप सरकार में हैं, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी हैं। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लड़ाई, किस लड़ाई में वो